इस सेशन में नहीं हुआ था, इंशाल्लाह अगले सेशन में ये हम असेंबली में पेश करते हैं। मियां साहब अपने सासे वापस लेकर आएंगे? मियां साहब के सासे कोई बैरून मुल्क नहीं है काशी भाई। जो बच्चों के सासे वो कहां से? उनके जो बेटे हैं, एक बेटे हैं हसन, उन्होंने इंग्लैंड में बिजनेस शुरू किया जब वो एग्जाइल में थे, जब मियां साहब पहले इधर बंद। 1.2 बिलियन डॉलर। देखिए आप खुद जानते हैं कि इंग्लैंड में जो सिस्टम क्या है, इज अ टैक्स पेयर है, वहां कोई पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। पैसे कहां से आए? ये तो वो बेहतर जान सकते हैं, मगर आप आपसे सवाल तो उठाना चाहिए। नहीं, जाहिर है कि वहां एक सिस्टम है, वहां जाहिर है कि लोन्स भी मिलती हैं, वहां मॉर्गेज प्रॉपर्टी। वैसे मैं जाके लोन मांगूंगा, मुझे देगा कोई चौधरी साहब? नहीं, अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज कर सकते हैं ना, उसकी बेसिक जो बिजनेस है। प्रॉपर्टी कहां से है? नहीं, प्रॉपर्टी खरीदी, जाहिर है। पैसे कहां से? नहीं, कैसे देखना, ये अगर मेरे से कोई और एंकर सवाल करता तो मैं कहता कि आपका हक है। आपसे मैं कहता हूं आप जी शूर आदमी हैं, लंदन में बिजनेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए पैसा चाहिए? नहीं, पैसा चाहिए। क्योरिटी चाहिए? ऐसे क्योरिटी मतलब आपका मुझे अब सही तो पता नहीं है, शायद 5-10% पे आप एक प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और फिर मॉर्गेज होती है आपकी जो प्रॉपर्टी है अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी। अब मुझे ये तो नहीं पता, मैं चूंकि इस मामले में आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, मगर आप इस बात को आपको थोड़ा सा मेरी अपनी ब्रेक डाउन। 1.2 बिलियन डॉलर का 10% आपने कहा 10% में मॉर्गेज मिलती है, 1.2 बिलियन डॉलर का 10% कितना बने? नहीं नहीं, वो तो 120 मिलियन डॉलर। नहीं, 1.2 बिलियन को तो आप कह रहे हैं ना, स्टेटेड फिगर। इसमें नून लीग की तरफ से कोई इसके ऊपर बड़े अच्छे से ये फिगर चल रहा, कोई तब्दील नहीं आई अब तक मियां साहब की तरफ से कि ये फिगर गलत है? नहीं, मुझे इसका चूंकि नहीं पता, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, सो आई एम टोटली अनप्रिपेयर फॉर दैट, आई डोंट नो। हम तो मैं रैंडम आपसे सवाल पूछ रहा हूँ।